मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ा जाए, कैसे करें। तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करेंगे। एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की बात करो, सीपीओ की बात करो, यूपीएससी की बात करो, भारत के किसी एग्जाम की बात करो, तो कॉम्प्रिहेंशन लगभग आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उस रहस्य को कि कॉम्प्रिहेंशन पूछा क्यों जाता है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछा क्यों जाता है और कितने मार्क्स के होते हैं, ये होता क्या चीज है, ये दिखता कैसा है, ये लगता कैसा है, एक एक चीज हम इसके बारे में हुलिया निकालेंगे, तब जाकर के वो रहस्य खुलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, राइट? तो कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कहां से आया है? तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। टू अंडरस्टैंड, समझना को हम लोग कॉम्प्रिहेंड कहते हैं। कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, यानी इसका मतलब हुआ टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, यानी हिंदी हो गया समझना। समझना आराम से, एक एक चीज की धज्जियां उड़ाओ। हमने कहा समझना, अब समझना ही हो गया आई ओ एन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड समझना, कॉम्प्रिहेंशन वर्ड नाउन बन गया। तो नाउन का मतलब हो गया समझ, समझ का मतलब हो गया समझदारी, समझदारी यानी समझ, समझदारी यानी एग्जामिनर यह चेक करना चाहता है कि आप कितने समझदार हो। एग्जामिनर यह चेक करना चाहता है कि आप समझदार हो कि नहीं हो, यानी आपकी समझदारी चेक करता है। समझदारी को हम लोग विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विजडम, यानी हाउ विजडम यू आर, आप कितने विजडम हैं, कितने बुद्धिमान हैं, यह चेक करना चाहता है आपसे एग्जामिनर। इसका मतलब कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, आपकी समझदारी को चेक करता है कि आप कितने समझदार हैं। तो समझदार हैं इसका मतलब कि कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। एग्जामिनर बेसिकली ये चेक करता है कि कोई लड़का जैसे जिसका दिमाग सही नहीं है, पागल किस्म का है, वो कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं पाएगा, यानी ये पागलपन भी चेक कर लेता है। पागल लड़का किसी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व नहीं कर सकता, जिसका दिमाग सेंट्रलाइज नहीं हो उस इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए दिमाग का सही होना बेहद जरूरी है। तो हम लोग बात करें कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स के और कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन से तो आपके एसएससी या सीपीओ, हम बात करें पीटी और मेंस का, तो पीटी में लगभग 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं और मेंस की बात करें तो 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में हम बोलते हैं टायर 1 टायर 2 और सीपीओ में होता है पीटी और मेंस, ठीक है? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब खुद कल्पना करो कि अगर आपके एसएससी में दोनों प्लस कर दो तो प्लस करने के बाद लगभग 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी और सीपीओ में, तो बताओ ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि टोटल मार्क्स जो ऐसे सीपीओ का होता है 250 नंबर का होता है टायर 1 टायर 2, और सीपीओ भी 250 नंबर का होता है टायर 1 टायर 2, 50 नंबर का टायर 1 और 200 नंबर का टायर 2। अब इतने कम समय में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 35 से 40 नंबर के, तो आप खुद कल्पना कर लो कि यह पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। खास करके हम आगे बात करें तो एसएससी सीपीओ में इतने मार्क्स होते हैं, इसके लिए मान लो आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन, मान लो आईएएस की तैयारी कर रहे हो। हम बात करें यूपीएससी का, एसएससी तैयारी नहीं करते सर, यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में सी सैट का नाम सुना होगा आपने, तो सी सैट में लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। अब रहा प्रश्न कि सर सी सैट में कुछ टफ रहता होगा, तो भाई कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन है, टफ क्या है, इजी क्या है, उसके वो कैब भगवान ने बनाए क्या? अरे कॉम्प्रिहेंशन नाम है उसका, तो क्या इजी क्या टफ? तो कोई इजी टफ नहीं होता, आपसे बनता है तो इजी है, नहीं बनता वही टफ है। सबका टेक्निक, आज हम लोग एक से एक मेथड निकालेंगे, एक से एक ट्रिक्स दूंगा और आज से ही कॉम्प्रिहेंशन की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दोगे। तो क्या है वो ट्रिक्स, क्या है वो मेथड, आज हम जानने का
प्रयास करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सीखा कैसे जाए। तो स्टार्ट किया जाए। यस सर। अब स्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन दिखता कैसा है, यह एक पैसेज है। जितना भी बोर्ड पे काम करता हूं कॉपी कलम निकाल और करना शुरू कर दो। जो मैं करता हूं तुम भी करो, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो देखो मत, कॉपी कलम निकाल और पढ़ाई करो। आज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जा रहा है, और जो बच्चे गया इलाहाबाद कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ना शुरू कर दो। यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर बात करें इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से दिखता है, राइट right? पहले मैं पढ़ा रहा हूं, एक कॉपी दिखता है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर वन पूछ दिया, वन नंबर क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसमें कुछ लाइन लिख दिया, ऑप्शन दिया ए बी सी डी। अब इसमें कुछ लाइंस लिखे हैं, तो सबसे पहला काम करना क्या है, पहले आप पढ़ाऊंगा दो तरह के ट्रिक्स और मेथड, और एक एक चीज लिखवा भी दूंगा ताकि आप सबको जीवन में कभी कॉम्प्रिहेंशन से प्रॉब्लम ना आए, लाइफ टाइम प्रॉब्लम दूर हो जाए, और आज से 30-35 नंबर तुम्हारा सोल्व होना शुरू हो जाए। बस करने का प्रयास करो। हमने कहा क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, यहां कुछ लिखा है, कुछ लाइंस लिखा है। अब लाइन लिखा है, अब जरा गौर से सुनो कि यहां पे कुछ लिखा है। अब क्वेश्चन कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टीचर सेड, सब लोग कहते हैं कि यू रीड द पैसेज अंटिल यू गेट द क्लियर आइडिया। आप इस पैसेज को पढ़ते रहो जब तक कि तुम्हारा आइडिया क्लियर ना हो। पैसेज को पढ़ो दो बार तीन बार चार पांच बार, पैसेज को पढ़ो ही मत, इट्स माय रूल। किताब कहता है कि पैसेज को 10 बार पढ़ो, यू रीड, आप बार बार देखना रूल मिलकर रहेगा, यू रीड द पैसेज अंटिल यू गेट द क्लियर आइडिया। मैं कहता हूं कि इस पैसेज को पढ़ो ही नहीं, पैसेज को नहीं पढ़ना। तो करें क्या सर, तो पैसेज को नहीं पढ़ना है। एट फर्स्ट यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द क्वेश्चंस, यानी यू रीड द क्वेश्चंस। लिखो पहला पॉइंट, यू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स। हमने कहा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो 2 से 3 बार, यू रीड द क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स, यू रीड द क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स। 2 से 3 बार क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन एक नहीं पूछा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। अब प्रश्न उठता है सर क्वेश्चन क्यों पढ़ें, तो क्वेश्चन से क्या मिलेगा, तो फ्रॉम क्वेश्चन से मिलेगा तुम्हें इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा बाबू, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप क्या लेने का प्रयास करें, इंफॉर्मेशन। तो आप पहले इंफॉर्मेशन लें, आई इंफॉर्मेशन लें कि क्या कहना चाहता है। अब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बोलो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट से, क्वेश्चन पूछेगा वेन से, क्वेश्चन पूछेगा वाई से, क्वेश्चन पूछेगा हाउ से, क्वेश्चन पूछेगा वेयर से, इन्हें पूछेगा जी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, व्हाट वेन वेयर वाई हाउ, यानी दिस ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। यानी पहले आपने क्या करा कि उस पैसेज के इंफॉर्मेशन को लिया कि भाई पूछा क्या। इंफॉर्मेशन लेने के बाद जैसे मान लो यहां से पूछा कि राजा के बेटे का नाम क्या था, राजा के पत्नी का नाम क्या था, किस राज्य का राजा था, एज एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछा ह्वेन सांग दिल्ली में कब आया था, ह्वेन सांग इंडिया में कब कदम रखा था, यानी व्हेन ह्वेन सांग कम्स इन इंडिया, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हेन ह्वेन सांग केम इन इंडिया, अब इंडिया ह्वेन सांग कब आया था, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या मिला आपको, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन लिया तो आप कर दो इलिमिनेशन, क्या कर दो, एलिमिनेशन, क्लियर। अब हमने कर दिया एलिमिनेशन, यानी आई ई, अब एलिमिनेशन कैसे कर दिया वो समझो। अब यहां से पूछा कि व्हेन डिड व्हेन सांग केम कम इन इंडिया, व्हेन सांग इंडिया कब आया था, अब ज्यादा ध्यान दो कि व्हेन सांग इंडिया कब आया था। अब यहां पूछ रहा है, यहां पे आंसर दिया हर्षवर्धन, यहां पे क्वेश्चन दे दिया 2030, यहां क्वेश्चन दिया 2018, किस में दिया कुछ और। अब देखो कि जो क्वेश्चन इरिलेवेंट है, जो क्वेश्चन यहां पे तो बाद में पढ़ना है, पहले तूने पैसेज पढ़ा कुछ आइडिया मिला तुम्हें, और जो इस क्वेश्चन से संबंध नहीं रखता है
वह ऑप्शन बोलो अननेसेसरी है कि नहीं है, तो उस ऑप्शन को हटा दो। पूछ रहा है कि राजा के बेटे का नाम क्या था, यहाँ पे पत्नी के बारे में बोल रहा है, हटा दो उसको। यहाँ पे पड़ोसी के बारे में बोल रहा है, हटा दो उसको। यहाँ पे किसी और को हटा दो उसको। बिना पैसेज पढ़े दिमाग लगा लो कि भाई बेटा सन यहीं पे आया है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन होगा, बट हो सकता है ना, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। यानी कि पहले क्या चाहिए तुम्हें, इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए, एलिमिनेशन। आप क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, करवाऊंगा क्लास में ही सब, एक एक चीज का प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास में ही। क्लास में ही पढ़ोगे और क्लास में झूम जाओगे, गजब हुआ सर, क्लास में झुमा दूंगा। तो हमने कहा कि पहले क्या करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ के क्या करो, एलिमिनेट करो आंसर को, क्या करो, एलिमिनेट। क्या आप देखो कौन सा आंसर नहीं होगा, हो सकता है कि चारों आंसर लगे कि होगा, हो सकता है कि इसमें लगे कि चारों नहीं होगा, या लगे कि यार एक तो नहीं होगा ये वाला। भाई ह्वेनसांग हिस्ट्री की बात कर रहा है, 2018 में आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन में दे दिया है तो उसे काटना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, इलिमिनेट। इलिमिनेट मतलब ऑप्शन को हटा दो, एंड नेक्स्ट क्या करो, इन्फरेंस। यानी कि इलिमिनेट तुम कब करोगे, जब तुम क्या करोगे, इन्फरेंस लगाओगे। क्योंकि जब तुम्हारा सिक्स सेंस डेवलप करेगा, सिक्स सेंस डेवलप कैसे करेगा उसी के बारे में हम आगे बात करने चाह रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन लो, फिर ऑप्शन को इलिमिनेट करो। कैसे करें सर, इन्फरेंस लिखे, INFERENCE। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान। तो आपके पास सिक्स सेंस होगा, सिक्स सेंस डेवलप कैसे करता है, तो बचपन से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, अंग्रेजी हिस्ट्री पढ़ा है ना, इकोनॉमी पढ़ा है ना, ज्योग्राफी पढ़ा है ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो जो भी तुमने पढ़ा है वही उसी को सिक्स सेंस कहते हैं। यानी तुम्हारे ज्ञान चक्षु के आधार पर जो तुम अनुमान लगाते हो, जो गेस करते हो, वही उसी को ज्ञान। जैसे कोई लड़का 10 बजे रोज आता है तो तुम्हारा ज्ञान कहेगा कि 10 बजे आएगा। कोई तीसरा व्यक्ति उसके बारे में अनजान है, तुम क्या बोलोगे, अरे 10 बजे तक आ जाएगा वो। हो सकता है नहीं आया, लेकिन तुम्हारा ज्ञान चक्षु क्या कहता है, रोज आता था आज भी आएगा। नहीं आया, कोई इमरजेंसी पड़ गया होगा। उसी प्रकार से आंसर तुम मिला रहे हो, 99% चांसेस है कि मिलेंगे आंसर, 1% हो सकता है ना मिले, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना है, एट फर्स्ट यू रीड द पैसेज, सॉरी एट फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को एटलीस्ट कम से कम कितनी बार, 2 से 3 बार, देन नीचे लिखो दूसरा पॉइंट, इसको लिख लिया। यानी आपका ट्रिक्स क्या हो गया, आई तुम्हारा ट्रिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन, इलिमिनेशन, इन्फरेंस। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे क्या कहता है, फिर इलिमिनेशन करेंगे, फिर इन्फरेंस करेंगे। अब यह चीज कैसे सीखेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, इलिमिनेशन कैसे करेंगे, इन्फरेंस कैसे करेंगे, इसी के बारे में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत। तो तब लिखो अगला पॉइंट कि सबसे पहला क्या काम किया, क्वेश्चन पढ़ा, फिर लिखो then we read the passage which refers to the question। Then read the passages which refers to question। यानी कि तब हम पढ़ेंगे passages को जो question को refer करता हो। जैसे मान लो बेटा तुमने यहां पे इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के साथ यहां पे क्वेश्चन पूछा, तुमने यहां से लिया इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के तुमने इसको पढ़ा कि भाई यह इंफॉर्मेशन इस पैसेज के कहां पे डाला हुआ है, यहां पे जो हमने लिया इंफॉर्मेशन ये इस पैसेज में कहां है। अब फिर अगला पॉइंट लिखो कि अंडरलाइन द पैसेज, अगला पॉइंट लिखो अंडरलाइन द पैसेज, लिखो देखो मत लिखो, अंडरलाइन द पैसेज, अंडरलाइन द पैसेज विच रेफर्स टू क्वेश्चन, अंडरलाइन द पैसेज विच रेफर्स टू क्वेश्चन, अंडरलाइन द पैसेज विच रेफर्स टू क्वेश्चन, अंडरलाइन द पैसेज विच रेफर्स टू
क्वेश्चंस, यानी पैसेज को अंडरलाइन करो जो क्वेश्चन को रेफर करता हो, यानी यहां तुमने लिया इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़, क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद अंडरलाइन करो पैसेज को, किसको, जो क्वेश्चन को रेफर करता हो, जो क्वेश्चन को रेफर करता हो उसको अंडरलाइन कर दो। क्लियर? अभी सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना जी, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 2 तक, 3 तक, क्वेश्चन 4 तक, क्वेश्चन 5 तक, ये सबको तुम अंडरलाइन कर दो, दे नीचे लिखो, यू रीड द अंडरलाइंड लाइन, यू रीड, अगला पॉइंट है, यू रीड, तुम पढ़ो, यू रीड द अंडरलाइंड लाइन, यू रीड द अंडरलाइंड लाइन, जो लाइन तुमने अंडरलाइन किया है उसी को रीड करो, यू रीड द अंडरलाइंड लाइन, यू रीड द अंडरलाइंड लाइन, जो अंडरलाइन किया है लाइन उसको रीड करो एंड फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर, एंड फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर, एंड फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर, फिर प्रॉपर आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करें, फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर, तो प्रॉपर आंसर को क्या करो, फाइंड आउट करने का प्रयास करो, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, देन फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर। क्लियर? प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करें, इसके साथ आप क्या करें कि हमने क्या कहा, सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन, फिर क्या कहा इलिमिनेशन, फिर क्या कहा इन्फरेंस, लेकर के आप पैसेज को जब आपने पढ़ा, पढ़ने के दरमियान आप क्या करो कि उसमें इंफॉर्मेशन को लो, फिर आप क्या करो इलिमिनेशन करो, फिर क्या करो इन्फरेंस करो, कर करके आप आइडिया लो क्लियर, तब जाकर पार्ट क्लियर होगा। क्लियर? ये था हम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 1, ठीक है, फिर हम लोग करें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2 अगले चरण में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। It's all for today. Thank you.